We are making this diya because it is सरसों का तेल. इसको ये जोत में उसको डालना पड़ेगा ना उसमें, बिकॉज इट इज़ अ डे वेयर यू सपोज टू मेक आटे का दिया. पुट दिस जोत इन सरसों का तेल एंड पुट इट आउटसाइड द हाउस. पितरों को प्रे करना है जो हमें छोड़ के चले गए, टू लुक आफ्टर अस एंड टू रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम आर लाइव्स. ठीक है, माचिस से जलाने का. दिस इज वॉट वी हैव डन. ओके, वन ऑफ माई कुक्स इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बिकॉज वो बहुत छुट्टियाँ लेती है. उनका जोन है कि मैं महीने में 2 छुट्टी लेती हूँ, अभी तक तो 4 छुट्टी हो चुकी है. तो मैं महीने के अनुसार उसको नहीं रख सकती बिकॉज इट्स नॉट एडवाइजेबल टू कीप समबडी हु इज़ टेकिंग सो मेनी छुट्टीज़. अगेन, आई एम नॉट ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ रिलीजन कार्ड इन टू इट, बट द फैक्ट इज़ दैट वो बहुत छुट्टी मारती है. सो वन ऑफ द कुक्स इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड सोन. एंड एक होता है सिक लीव जब आप जेन्युइनली बीमार होते हैं, एक होता है पेड लीव. मगर जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है हायर करने के लिए. जो लोग सीरियसली बिजनेस को बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ग्रीडी नहीं है, सेल्फिश नहीं है, क्योंकि जब आपका बिजनेस ग्रो होगा तब उनकी सैलरी भी ग्रो हो सकती है. मगर स्टार्टअप बिजनेस में उनको उनके काम के अनुसार पगार मिल रही है. इफ़ इन 12 डेज दे टेक 4 डेज का छुट्टी, देन आई डोंट थिंक दे कैन बी केप्ट ऑन मंथली बेसिस सैलरी. सो उनको बुलाया जाएगा एज एंड व्हेन रिक्वायरमेंट होगी उनके कुकिंग की, क्योंकि बहुत सारे कुक्स सब कुछ नहीं बना सकते. इनफैक्ट एक कुक एक ही आइटम बना सकता है या 2 आइटम बना सकता है जिसमें उसकी स्पेशलिटी होती है. तो जिस कुक को मैं रिप्लेस कर रही हूँ, शी इज़ गुड इन आलू पराठा बट हर सब्जी इज़ नॉट वेरी ग्रेट. द वे शी कुक्स हर सब्जी इज़ नॉट वेरी टेस्टी. तेल बहुत ज़्यादा डालती है खाने में. इनफैक्ट आई हैड टू क्लिक पिक्चर्स ऑफ द तेल इन द फूड टू शो इट टू हर एंड सेंड इट टू हर ऑन व्हाट्सअप सो दैट उसको समझ पड़े कि तेल कितना ज़्यादा है खाने में. संग्राम भी इतना तेल नहीं खाता, मैं भी इतना तेल नहीं खाती. एंड हम घर जैसा खाना लोगों को देना चाहते हैं, ना ही तेल वाला खाना या मिर्ची वाला खाना. अगर हम वो खाना बेचने लगे देन आई डोंट थिंक वी विल बी एनी डिफरेंट फ्रॉम द होटल दैट सर्व्स खाना. यू नो, वी आर सर्विंग होम मेड फूड, वी आर नॉट सर्विंग होटल वाला फूड. सो द कुक इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड. शी वॉज गुड इन आलू पराठा बट शी हैज़ टू बी रिप्लेस्ड. दैट्स द अपडेट ऑन पायल्स किचन. दिस लेडी शी वॉज गिवन टू मी बाय माई नेबर एंड आई रियली वॉन्टेड टू पुल माई गाड़ी विद हर फॉर लॉन्ग बिकॉज हमारे नेबर की मदर इन लॉ ने यू नो बहुत उसको बोला था एंड शी वॉज लाइक हायर्ड बिकॉज ऑफ दैट. आई वॉन्ट टू रिस्पेक्ट आंटी जी एंड हर यू नो वर्ड, मगर आई कैनॉट कीप समबडी हु टेक्स 4 डेज छुट्टी इन 12 डेज एंड या इज़ फ्रॉम दैट जोन के छुट्टी तो हम ले रहे हैं. एक नए बिजनेस में जब आप यू नो इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको वो लोगों के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा जो लोग आपके विजन को समझे, आपके वर्क एथिक्स को समझे. जब कोई जेन्युइनली बीमार है तो जेन्युइनली बीमार है, आप कुछ कर नहीं सकते हो. मगर फिर आप जब ठीक हो जाओ तब आप बोलो अपने एम्प्लॉयर को कि आप एक्स्ट्रा काम करोगे सो दैट द सैलरी इज़ नॉट कट, सो दैट द एम्प्लॉयर ऑल्सो अंडरस्टैंड द जेन्युइननेस ऑफ दैट पर्सन. मगर आप एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे जब आप ठीक होगे, आप ऑलरेडी छुट्टी पे छुट्टी लोगे, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू काइंड ऑफ हायर देम एट दिस स्टेज. एंड ऐसा नहीं है कि 5-स्टार कुकिंग हो रही है, मुझे घर जैसा खाना चाहिए. और घर जैसा खाना तो कोई भी बना सकता है. जो लोग मेरे स्टॉल पे आ रहे हैं वो तेल वाला खाना, मिर्ची वाला खाना खाने नहीं आ रहे, वो घर खाना खाने आ रहे. सो दैट्स द जोन. सो या, इंटरेस्टेड कुक्स कैन ड्रॉप देयर नंबर्स एट माई स्टॉल और विजिट मी व्हेन आई एम देयर. इन कोटक बैंक ATM देयर इज दिस डॉग ऑन द आउटसाइड पार्ट and there are these dog lovers. This dog no is smelling so much and I think he's got some disease. तो ये जो dog lovers हैं ये dog को अपने घर पर क्यों नहीं ले जाते? Why are they leaving this dog if they care about him so much on the street like this way? वो इतना बास मारता है and it is so difficult to even come to this ATM because this dog is outside. So these people should take him to their houses. Na Bombay में
there can be places where these dogs can be kept. So now this dog will be kept here and he will smell, he will do everything on the road and these people will not take him to the house. Itne pyare dog lovers hai to apne ghar par leke jao na. Raste pe kyu toilet karwa rahe ho, sussu karwa rahe ho, baas marwa rahe ho. This is the dog area only. Yahan pe khana rakh dete hai. How can they make an ATM ka bahar wala section a dog area? What nonsense is this? अभी आके यहाँ पे मैं गायें पाल दूंगी तो सब लोग मोर्चा चालू कर देंगे. अभी कुत्ते को रखा है तो अलाउड है यहाँ पे उसका खाना. और आई एम सिटिंग इन द शेयर ऑटो. या दैट्स द ज़ोन. हाय, दिस इज अ शेयर ऑटो सो दैट वी सेव मनी एंड आई एम नॉट वॉकिंग ऑन द रोड्स. तो शेयर ऑटो में मीटर नहीं चलता. 30 रुपये दे दो और आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे. आप लोग लेके जाओ ना आलू प्याज. धंधा मेरा चालू रखो ना. मैं खाना भी बनाती हूँ. अच्छा, हाँ तो मैं यहाँ पे अभी वो हनुमान चौक है ना, वहाँ पे एक लारी रखी है. अच्छा। तो अभी आप लोग वहाँ से खाओ खाना. घर का खाना है, अच्छा तेल का खाना है और सस्ता भी रखा है. सीधा बताती हूँ आपको. मंदिर मस्जिद के पास है. हाँ, एक मसान देवी. हाँ, एक मसान देवी के सामने, एक मंदिर मस्जिद के सामने. तो आप लोग सपोर्ट करो तो मेरा धंधा चले. आते हैं, खाते हो? खाते हो? अरे वेरी गुड. क्योंकि धंधा चलेगा तो जाके मैं रेस्टोरेंट लूंगी ना, या दुकान लूंगी, या फूड ट्रक लूंगी. धंधा पहले करना तो आना चाहिए. सीधा आपको राइट जाना है तो मैं राइट जा रहे हैं. हाँ ठीक है. कहाँ जा रहे हैं अपन? राइट लेके वही आएंगे. ठीक है. आपका पोल है मंदिर मस्जिद जा रहे हैं. सीधा जा रहे हैं. अच्छा CWC, वेरी गुड. वहां पे ही मेरा स्टॉल है. मैं आपकी फोटो नहीं लूंगी. नहीं नहीं, इट्स ओके. देखो आपको, यू डोंट माइंड. आई एम सेलिंग आलू प्याज लहसुन एंड प्रिपेयर्ड फूड, दैट इज आलू पराठा, पोहा, उपमा एंड इट इज मेड इन सफोला ऑयल. जो मैं घर पे खाती हूँ वही रखती हूँ स्टॉल पे. वी कैन हैव सम टाइम. यस यू कैन, बिकॉज आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द काइंड ऑफ फूड आई पुट ऑन द स्टॉल. और मैं पर्ल हाइट्स में रहती हूँ. CWC इज बाजू में, नियर बाय. यहाँ पे मैंने वोटिंग करी थी. दावती बेटी वोट देने आयो? बेटी बेटा. आई एम अ टीचर ओवर हियर. ओह वाओ, माय मदर इज अ टीचर. आई एम सो इम्प्रेस्ड दैट यू आर टीचिंग. CWC की टीचर सिटिंग विद मी इन अ शेयर ऑटो. यहाँ पे इसको समोसा बेचना चाहिए. यहाँ पर इसको समोसा, बच्चे छूट रहे, समोसा बना के बेचना चाहिए. यहाँ पे इसको लेफ्ट वो वाला लाल वाला खाने वाला मसान देवी पे है. यहाँ पे ये लाल वाला, ये लाल छतरी है ना. हाँ हाँ, लाल छाता बस यहाँ पे छोड़ दो, चलेगा. Now I have my maid on the stall now. She's selling. तो हमारे यहाँ आज स्टॉल पर सर आए हैं. सर आप क्या खा रहे हो? मैडम रोटी और चने की सब्जी. कैसी है? अरे एक नंबर, A1. मैडम ने इसमें तेल बिल्कुल नहीं है, बच्चा भी बहुत लिमिटेड है. जिस तरह से बनवाया समझ में आता है कि मैडम ने खुद अपने जेब रेट में घर में बनवाया हुआ है. जी, बिकॉज भाइयों का मन करे ना तो वो इतना तेल डाल दे खाने में, इतनी मिर्ची डाल दे, बिकॉज उनको लगता है कि तेल वाला खाना अच्छा खाना है. तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज मेरे को लोगों को घर जैसा खाना देना है और जो खाना खा के उनका पेट खराब ना हो ना उनका स्किन खराब हो. सो इट्स गुड कि आपको मेरे खाने में कम तेल लगा. हाँ, आप हमेशा आते हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ. थैंक यू. सो
as there is no sales today again in the second location, we have gone back to a new location. A new location is the location जहाँ पे हमको पहले से निकाला गया था, चौक next to the पेड़, या चौक next to the पेड़. तो अभी हम यहाँ पे धंधा लगा रहे हैं. That is what we are doing. We have come here now, and Rakesh will try to sell food here. क्या क्या करना पड़ता है अच्छा खाना बेचने के लिए. ओ माई गॉड. ओ ये स्टॉल पे लाइट है. अगर मैं कैमरा जाके उसको पूछूंगी कि तुम लाइट कहाँ से लेके आते हो, वो मुझे थोड़ा सच बताने वाला है. भैया ये लाइट कहाँ से लेते हो आप? शाखा प्रमुख लाइट देता है. पैसे लेता है? कितने पैसे लेता है? 1500 महीना. और कितने घंटे के लिए देता है लाइट? शाम में 7 बजे चालू होती है. तो शाखा प्रमुख का नंबर है आपके पास? नहीं, तो है वो तारिक पटेल, वो शाखा प्रमुख है जिसने यहाँ से वो किया था. वो अयूब है. वो अयूब है बिरयानी वाला ना? हाँ वो अयूब है. अच्छा अच्छा. क्योंकि मैं आपका देखो फेस नहीं ले रही, मुझे आपको वो नहीं करना, फंसाना नहीं है. बट मेरे को खाली जानना है कि लाइट लेने के लिए शाखा प्रमुख को 1500 देना पड़ेगा महीने का, तो वहां से लाइट मिलेगा. लीगल है ये और वहाँ पे मीटर है. ठीक है, क्योंकि लाइट के बिना लोगों को दिखता नहीं है ना खाना, कुछ दिखता नहीं है, तो लाइट तो चाहिए. तो वो शाखा प्रमुख को लिख के देना पड़ेगा, कुछ कागज होता है. आप कितना थूकते हो बाप रे, तो थूक रहे हो. तो दैट्स द जोन, शाखा प्रमुख को पैसे देने पड़ेंगे महीने का, तो जाके लाइट मिलेगी. ओ गॉड, ही सेलिंग. ये कह रहा है कि शाखा प्रमुख को 1500 महीने का देना पड़ेगा तो लाइट मिलेगी. और उसके पास मीटर है और मीटर से 1500 रुपये लाइट का पेमेंट करके मिलेगी. तो ये लीगल है, मतलब शाखा प्रमुख. ओ माय गॉड, व्हाट इज दैट. पीछे का ये खुलवा रही हूँ उससे सो दैट लाइट आए. क्या क्या करना पड़ता है. दिस इज द वैन हु गेव मी द इन्फॉर्मेशन अबाउट शाखा प्रमुख चार्जिंग 1500 रुपीज फॉर लाइट. ही इज द बैनर, इज नॉट माई इन्फॉर्मेशन. मेरे स्टॉल के लिए और ये सर है. नमस्ते. सो यहाँ से मैं ये 1000 रुपए वाली है, ये 200 रुपए वाली है. तो पायल अभी पहले 200 रुपए वाली लेने वाली है, फिर सर से 2 दिन के बाद 1000 रुपए वाली लेने वाली है, क्योंकि मुझे लाइट लगानी है. और वहाँ पे आपको फोन किया था आपको? हाँ, नहीं. हाँ मैं अपने ही धुन में हूँ. अच्छा, मैं कल बुलाती हूँ. कल भेजो, मैं आपको कल फोन करती हूँ. कल तो वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग लाइट माँ शाखा प्रमुख से मिलते हैं 1500 रुपए महीने का रेंट दे के. तो 1500 रुपया बराबर है. ये मेरा कितना दिन हो गया है? ये 5 महीना हो गया. 200 रुपया पर मंथ गिरा और चालू है. चालू, ये तो सस्ता ही पड़ता है. मैं तो वो लेने वाली हूँ घर पे ले आने का, चार्जिंग करके ले आने का. तो ये मैं ले लेती हूँ अभी, ठीक है. और ये मैं 2 दिन के बाद देती हूँ, थोड़ा प्रॉफिट होने दो. हाँ कल ये अभी नहीं है आपके पास? कल कल लेके आओगे? ठीक है, कल लेके आना, मैं ये ले लूंगी, ठीक है ना. और आपसे मैं खजूर भी लूंगी और मखाना. खजूर मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो इनका खजूर आप खाइएगा. खजूर से इम्यूनिटी बढ़ती है. एंड तो अभी मुझे क्या मिलेगा? अभी ये नहीं मिलेगा, कल मिलेगा. ठीक है, तो ये बारिश का टाइम है तो यहाँ ज्यादा रखा नहीं है. एक ही रखा आइटम, एक ही रखा डिस्प्ले के लिए. डिस्प्ले के लिए, ठीक है. तो ये सब इतना अच्छा अच्छा बेचते हैं ये सर. मैं डीमार्ट से क्यों खरीदूँ, मैं यहाँ से खरीदूंगी ना. संग्राम, आप खजूर अपना यहाँ से लिया करो, जो दूध में डाल के आप पीते हो. ये जो आप आमिरी प्लस से लेते हो, उससे बेटर है कि आप यहाँ से लो. ये आमिरी प्लस दुकान है ना, वहाँ से मेरे हस्बैंड ऑर्डर करते हैं. मैं उनको बोलूँगी यहाँ से ले. ये कौन सी है? आमिरी प्लस अपना जेपी रोड पे है ना, वो इतनी बड़ी दुकान जहाँ पे सब ड्राई फ्रूट्स और ये सब मिलते हैं, उससे बेटर है यहाँ से लेना. यही तो खाते हैं वो. ये सब है ना, मखाना है, खजूर है, सब कुछ है. बादाम है, किशमिश है. वेरी गुड. तो मैं क्या करती हूँ, ये कौन सा खजूर है? ये कीमिया खजूर है. कीमिया? कीमिया. ये कितने का है? ये 250 का है पैकेट.
हाँ। ये 200 रुपए का छोटा पैकेट है, उसका नाम है कलमी। सब इसमें वैरायटी है मैम। अच्छा हाँ। काली दिख रही सब हाँ। सबके नाम अलग अलग है, कोई अफ्रीकन है कोई तो मैं अभी अच्छा बादाम भी सब, तो मैं अभी आपसे कुछ लेती हूँ, क्या लूँ मैं मेरे अपने लिए? मखाना ले लो। मखाना हाँ चलो मखाना ले लेती हूँ, एक पैकेट मखाना ले। मखाना अच्छा भी है, दूध में डाल के सुबह खाओ आप। ठीक है, रसगुल्ला मखाना या मैं खजूर लूँ? जैसा आपको बेटर लगे। खजूर ये वाला कितने का है? ये दे दो। पेटीएम पेटीएम। फूड हैज नॉट बीन सोल्ड टुडे मच, सो मी एंड माय न्यू मेड आर गोइंग टू ईट एंड हैव फन। मेरा घर का आइसक्रीम खत्म हो गया है और आज मैं डीमार्ट नहीं गई आइसक्रीम लेने के लिए, सो आई थिंक मैं शहद के अंदर किशमिश डाल के, आई पुट दही के अंदर शहद एंड देन पुट किशमिश एंड दैट विल बी माय स्वीट डिश बिकॉज देयर इज नो आइसक्रीम इन माय हाउस। आज हमारा कोई भी सेल नहीं हुआ। इट्स ओके, यू कैन डील विद दिस। इसलिए अच्छा है ना, एक कुक को निकाल दिया, अभी सिर्फ एक ही कुक है एंड ट्रेनिंग द फुल टाइम वन। लेट्स सी क्या होता है बिकॉज यू हैव टू कर्टेल एक्सपेंसेस टिल ऑर्डर्स डोंट कम। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल।